हेलो दोस्तों, आज की सीट में बताने वाले हैं कुछ इस प्रकार की जो है चैनल बनर कैसे बना सकते हैं। VK टेक नीरज राजपूत का जो चैनल बैनर है दोस्तों, उस आज इस प्रकार का चैनल बैनर हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मोबाइल का स्क्रीन में लेके जाते हैं कि जो इस प्रकार से चैनल बैनर आप कैसे बना सकते हैं प्योर HD क्वालिटी में दोस्तों। अगर आप लोगों ने तो बैनर बनाने आता होगा फिर भी देखना है दोस्तों, क्योंकि सेव करते हैं तो HD में सेव नहीं होता होगा दोस्तों। आज मैं प्योर लाइव प्रूफ पूरा HD में सेव करके बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मोबाइल का स्क्रीन में आ चुके हैं दोस्तों, और अभी हम पिक्सल लैब से जो है दोस्तों चैनल बैनर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेते हैं दोस्तों। पिक्सल लैब ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट में जाने के बाद इमेज हम सेलेक्ट करके यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट करना है। यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाना है। सबसे पहले कलर है इसका, हम ब्लैक कलर रखते हैं। इस प्रकार से ब्लैक कलर रखने के बाद फिर से यहाँ पे प्लस वाला आइकन में जाना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद दोस्तों एक जो है फिक्स साइज का जो बैनर का फिक्स साइज होता है उसका इमेज हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो जो फिक्स साइज बैनर का है उसको हम ले लें, सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर सबसे पहले इनेबल कर देंगे दोस्तों। पता नहीं चलता क्योंकि ब्लैक ब्लैक सब ब्लैक तो पता ही नहीं चलता कौन क्या है। इसको रेड कुछ इस प्रकार से रखेंगे। उसके बाद इसका साइज को बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से टर्न डन कर देंगे। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर देने के बाद फिर से प्लस का आइकन में जाना है। प्लस का आइकन में जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाना है दोस्तों। जो भी हम मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो मैं इमेज यूज करने वाला हूँ इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे और छोटा करके, नहीं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे दोस्तों इतना में। इसको थोड़ा इंक्रीज करके इतना में एडजस्ट कर देंगे दोस्तों। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो VK का टैग है उसको जो एक इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम दोस्तों। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लस का आइकन में जाना है। प्लस का आइकन में जाने के बाद दोस्तों पहले शेप ले लेते हैं। शेप जो है कुछ इस प्रकार से शेप को ले लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा करके इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट इस प्रकार से करेंगे यहाँ पे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि कैसे बनता है। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। इसका कलर इनेबल कर देंगे दोस्तों और इसको येलो रखेंगे। येलो रखने के बाद स्ट्रोक जो दोस्तों वाइट कर देंगे इसका, तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इसका फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों इसको इस प्रकार से। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। एडजस्ट कर लेना है यहाँ से, फिर एडजस्ट करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। अरे तो की समस्या तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद इस सारे को लॉक कर देना है दोस्तों। लॉक कर देने के बाद इस सब को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों सिंपली से। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका चैनल का नाम को यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। जो भी अपना चैनल का नाम है यहाँ पे लिखना है दोस्तों। इसके लिए मेरा टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद VK के टैग हो गया दोस्तों जिस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद ये फॉन्ट को जो डिफॉल्ट फॉन्ट है मेमे फॉन्ट इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका कलर जो दोस्तों कलर का इनेबल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। VK को वाइट रखते हैं और टैग जो है उसको रखते हैं येलो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इतना हो जाएगा दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों जो भी चैनल से रिलेटेड आपका है उसको यहाँ से लिखना है। जैसे कि YouTube टिप्स लिख दिए दोस्तों एंड अनबॉक्सिंग लिख दिए। उसके बाद इसका भी जो है फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अस्ट के एक भी स्टेप मिस नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। और
सॉरी यार, लॉक नहीं किए थे इसको, सबको लॉक कर देना दोस्तों, नहीं तो इधर उधर होते रहे। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं इस प्रकार से, इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से यहाँ पर प्लस का आइकन में जाना है, फिर से एक इमेज यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोस्तों हम, आप उस इमेज को। तो दोस्तों अभी वो इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छोटा कर देंगे, यहाँ पे छोटा इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। उसके बाद लिख देंगे फॉलो मी, यहाँ पे लिख देंगे फॉलो, फॉलो लिख देने के बाद दोस्तों इसका भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो है बैकग्राउंड को इनेबल कर देते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड इनेबल कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, नहीं तो एक भी स्टेप मिस किए तो आप समझ नहीं पाइएगा दोस्तों कि कैसे क्या होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। और एडजस्टिंग बढ़िया से करना है दोस्तों, एडजस्टिंग ध्यान से करना है बढ़िया से, नहीं तो ऊपर नीचे अच्छा से नहीं हो पाएगा, एडजस्टिंग पूरा बढ़िया से करना है। कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लिए, और जो है उसका जो ब्लैक रखेंगे दोस्तों फॉन्ट का कलर को, फॉन्ट का जो कलर है उसको ब्लैक रखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसको एडजस्ट इस प्रकार से यहाँ पे कर देंगे। ओ सॉरी गाइस, इसको बड़ा करना है, पता नहीं यार, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों, जैसे कि मैंने एडजस्ट कर लिया है। ओ यार सॉरी, तो मैंने बताया दोस्तों कि एडजस्टिंग बढ़िया से करना है दोस्तों, इसे लॉक कर देना है। उसके बाद इसको, अरे यार गजब है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों सिंपली फिर से प्लस का आइकन पर जाना है, प्लस का आइकन पर जाने के बाद गैलरी से फिर एक इमेज को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है दोस्तों, डाउनलोड पर जाना है। उसके बाद इमेज हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं दोस्तों, वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है, जिसके इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर छोटा करके इसको एडजस्ट करके लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे दोस्तों, फिर से सबको लॉक कर देते हैं। लॉक कर देने के बाद, ये हो जाने के बाद दोस्तों इसका नाम भी यहाँ पे लिख देंगे, नीरज राजपूत। नीरज राजपूत इसको नाम को भी एडजस्ट कर देंगे दोस्तों, फॉन्ट सेलेक्ट करके। यहाँ पे रहेगा दोस्तों, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। एक यहाँ पे और इमेज सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, फिल्म गैलरी में जाने के बाद ये YouTube का लोगो है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मोबाइल को हम इस प्रकार से करके भी करते हैं दोस्तों, वैसे में एडजस्टिंग नहीं हो पा रहा था बढ़िया से। ये हो गया दोस्तों, इतना हो जाने के बाद
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद दोस्तों सेव एड इमेज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव एड इमेज पे क्लिक कर देना है। कस्टम रहेगा, कस्टम है दोस्तों अल्ट्रा। दोस्तों यहीं पे मैं बताने वाला था कि यहाँ पे कस्टम पे सेव नहीं करना है, यहाँ पे अल्ट्रा पे सेव करना है। दोस्तों यहाँ से अल्ट्रा पे सेव कर देंगे तो प्योर HD में सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको अपने यूट्यूब का जो बैनर दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों बैनर लगाना नहीं है तो दोस्तों इसका वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि बैनर कैसे लगाते हैं, वहाँ से जाकर आप बैनर लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चला तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बैनर को प्रेस करें। तेरे मित्र जय हिंद मातरम।